हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने प्रीवियस वीडियो में जो अकाउंट्स की अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें अपन ने रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट समझा था। और मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अपन उसके क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपकी बुक का चेतना क्लब, इसमें करना क्या है आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट ऑफ चेतना क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। चेतना क्लब का आपको रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट बनाना है और आपको नीचे कुछ पर्टिकुलर्स दिए हुए हैं कि भैया क्या क्या पर्टिकुलर्स, कैसा रिसिप्ट हुआ, कैसा पेमेंट हुआ। तो सबसे पहला है कैश बैलेंस है 1/1/2017 का, मतलब ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस है कैश बैलेंस जो कि आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ 2017 में, कितना रुपये, 5,000 रुपये। और उसके बाद मेंबरशिप फी रिकवर करना थी कितने रुपये, रियलाइज़ करना थी 300 मेंबर से 15 रुपये। 300 मेंबर हैं टोटल, 15 रुपये एक से लेना है, जिसमें से 25 मेंबर ने सब्सक्रिप्शन अमाउंट नहीं दिया और 5 मेंबर ने एडवांस में सब्सक्रिप्शन अमाउंट दे दिया नेक्स्ट ईयर के लिए। सैलरी ₹300 पर मंथ हैज़ बीन पेड अप टू नवंबर 2017 की ₹300 पर मंथ के हिसाब से सैलरी पे कर दी अप टू नवंबर 2017। ये चीज़ ध्यान रखना, अप टू नवंबर 2017। फिर उसके बाद रेंट है ₹150 पर मंथ हैज़ बीन पेड अप टू जून 2018, यहाँ पे जून 2018 तक के ₹150 पर मंथ के हिसाब से रेंट पे कर दी। फर्नीचर एंड एडवांस ऑफ ₹1,000 वॉज गिवन फॉर फर्नीचर इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2017, बट द फर्नीचर वर्थ ₹150 वॉज रिसीव्ड अप टू द एंड ऑफ द ईयर। अब यहाँ पे ₹1,000 का फर्नीचर, अपन ने फर्नीचर के लिए ₹1,000 एडवांस में पे कर दिया, लेकिन अपने को दिसंबर 2017 तक खाली ₹150 का फर्नीचर रिसीव हुआ। फिर उसके बाद है सनरी एक्सपेंसेस। सनरी एक्सपेंसेस 1,000 वर इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ विच ₹150 आर टू बी पेड, कि ₹1,000 मेरे टोटल सनरी एक्सपेंसेस हुए थे जिसमें से ₹150 भी पे करना बाकी है। ठीक है, तो अपने को अब इसका क्या करना है, रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट बनाना है जो अपन आगे देखेंगे। चलिए अब देखते हैं अपन कैसे बनाएंगे इसको। पहले से बना के रखा है कि आपको रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट का, रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट बनाना है इसका चेतना क्लब का। तो सबसे पहले अपन क्या नाम मेंशन कर देंगे, चेतना क्लब, और उसके नीचे रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट, और उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड जो कि आपकी डेट दी हुई है 31 दिसंबर 2017। ठीक, अब इसके बाद अपन को रिसिपिएंट पेमेंट स्टार्ट करना है। तो रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट के बारे में मैंने आपको पहली वीडियो में मतलब बताया था कि रिसिपिएंट पेमेंट है क्या, एक्चुअल में वो क्या है, कैश अकाउंट है और उसमें अपन क्या करते हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को खाली ये चीज ध्यान रखना है कि कितनी जगह से अपने पास कैश आया है, कैश आया है तो वो कहाँ जाएगा, आपका रिसिप्ट वाले कॉलम में, और फिर उसके बाद आपका कितनी जगह पे आपने पेमेंट करी है वो जाएगा आपका कहाँ पे, पेमेंट वाले कॉलम में। ठीक है, तो मतलब इनफ्लो ऑफ कैश गोज टू द रिसीप्ट कॉलम एंड आउटफ्लो ऑफ कैश गोज टू द पेमेंट कॉलम। ठीक, अब इसमें सबसे पहले अपन ने क्या लिखा था कि भैया बैलेंस अपना जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। प्रीवियस ईयर का बैलेंस आपका कितना, 5,000 रुपीज, वो अपन ने कैरी फॉरवर्ड कर दिया यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। कितना बैलेंस था यहाँ पे, 5,000 रुपीज। फिर उसके बाद सेकेंड है आपका मेंबरशिप फीस वॉज टू बी रियलाइज। मेंबरशिप फी रियलाइज मतलब ये आपके लिए पैसा आया होगा। टोटल मेंबर कितने थे, 300 मेंबर्स थे। अब सबसे पहले देखें, पहले तो ये समझेंगे भैया वो अपने मेंबरशिप का अमाउंट बाद में देखेंगे, पहले समझे मेंबरशिप अमाउंट आएगा नहीं। अपन ने फॉर्मेट में भी देखा था कि मेंबरशिप फी कहाँ थी, आपकी रिसिप्ट वाले कॉलम में थी। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने भैया उसमें देखा था फॉर्मेट में कि एक्चुअल रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्चुअल कैपिटल रिसिप्ट अपन ने अलग अलग डिफरेंशिएट करके लिखी थी, वो आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखी थी, उसको पेपर में या क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ऐसे लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, मेंबरशिप फी, जो मेंबरशिप फी मिली मेरे को या चेतना क्लब को। ठीक है, रिसीप्ट है ना मेंबरशिप फी, भैया मेरे जो जितने भी मेंबर्स हैं मेरे वो मेरे को फीस पे कर रहे हैं, तो वो क्या है, मेरे लिए रिसीप्ट है। रिसीप्ट है तो वो रिसीप्ट वाले कॉलम में आ गया। टोटल मेंबर कितने थे, अब यहाँ पे देखना कैलकुलेशन उतनी ही करेंगे, उतना ही अमाउंट लिखेंगे जितना अमाउंट अपने को मिला है, जितना अमाउंट अपने को मिलना था उससे अपने को अभी मतलब नहीं है, अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखेंगे। अभी तो अपन खाली उतना ही अमाउंट लिखेंगे जितना अपना एक्चुअल अमाउंट अपने को मिला है। एक्चुअल अमाउंट कितना मिला होगा वो अपन कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल मेंबर थे कितने, 300, है ना, जिसमें से 25 मेंबर ने तो फीस पे नहीं करी, तो मैं उसमें से 25 माइनस कर दूं तो कितने बचेंगे, ये 275। ठीक, अब 275 मेंबर्स ने मेरे को फीस पे कर दी इस साल की, और 5 मेंबर ऐसे थे जिनने अगले साल की भी मेंबरशिप फी पे कर दी, ₹15 फी करी, पे करी होगी अगले साल के लिए भी, अगले साल के लिए उन्होंने फी पे कर दी, तो कितने होगा इसमें, 5 मेंबर और प्लस कर दो, तो अब टोटल मेंबर कितने होगा, 280, और एक मेंबर से मेरे को कितने रुपए लेना था, ₹15। ठीक है, तो मेरे को 280 मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन फी अमाउंट पे किया, और टोटल मेंबर कितने थे, 280 मेंबर्स थे, तो 280 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा कितना, 4200। ठीक, अब नेक्स्ट रिसीप्ट क्या है, नेक्स्ट पेमेंट क्या है आपकी, नेक्स्ट पेमेंट है सैलरी की।
सैलरी के साथ लिखा हुआ है कि भैया 300 पर मंथ पे किया है, कब तक? नवंबर 2016 तक। ठीक है, अब सैलरी आपकी बात है कि भैया पे किया है तो पेमेंट वाले कॉलम में चला जाएगा। अपना जो सीआर साइड है वो डिनोट करते हैं अपन बाय टर्म से, और डीआर साइड है वो डिनोट करते हैं टू टर्म से, जो अपन ने भैया पिछले साल लेजर में भी सीखा था। अब यहाँ पे अपन बाय टर्म में देखें तो सबसे पहले अपन ने लिख दिया सैलरी, तो कितनी सैलरी पे करी? 300 रुपए पर मंथ। कितने महीने तक की पे करी? अप टू नवंबर 2016। साल में कितने महीने होते हैं? 12। नवंबर कौन सा महीना होता है? 11वां महीना। तो टोटल महीने कितने पे करे होंगे उनने? 11 महीने की सैलरी पे करी होगी 300 रुपए के हिसाब से। दिसंबर की अभी पे नहीं करी, लेकिन मेरे को उससे भी कोई मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है कि कितनी पे कर दी, पे कितनी करी 300 रुपए के हिसाब से, टोटल महीने कितने हैं? 11। तो ये हो जाएगा कितना? 3300। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका अमाउंट रेंट का। रेंट पे करी है कितनी? 150 पर मंथ अप टू जून 2018। यहां ध्यान रखना, रेंट पे करिए बाय रेंट 150 पर मंथ। कितने महीने की पे करी होगी यहां पे क्वेश्चन? जून 2018 था, तो आप जून तक काउंट कर ले। नहीं भाई, जून 2018, और अपन अकाउंट बना कब रहे हैं? 31 दिसंबर 2017 का। तो 2017 के तो पूरे 12 महीने, ठीक। और फिर उसके बाद जून के आपके 2018 के जून तक महीने, तो 2018 के जून तक महीने कितने महीने हो रहे हैं आपके? 6 महीने। ठीक है, तो टोटल उसने कितनी पे कर दी है? 12 + 6 18 मंथ की उसने रेंट पे कर दी। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए कितना होगा। हो जाएगा आपका 2700। अब इसके बाद है आपके क्या, फर्नीचर। फर्नीचर के लिए अपन ने पे करा था 1000 एडवांस, ठीक है, और जिसके लिए अपने को एंड तक फर्नीचर कितना मिला था? 150 रुपए का। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या अपन ने भैया, पिछले साल जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था या बैलेंस शीट बनाई थी, तो उसमें अपन क्या करते थे कि भैया जितना फर्नीचर मिला है, जितना अपन ने उसके लिए पेमेंट किया, उसमें से अपन एडजस्टमेंट वगैरह माइनस करते थे। रिसीप्ट पर पेमेंट अकाउंट में अपने को एक्चुअल में चाहिए क्या? एक्चुअल कैश इनफ्लो या आउटफ्लो। तो यहाँ पे देखेंगे फर्नीचर अपना बनाया कितने रुपए का। पहले तो अपन फर्नीचर लिख दें कि फर्नीचर पर अपन ने एक्सपेंस किया है, कितना किया है? 1000 रुपए एडवांस पे किया है, जिसके लिए मेरे को 150 रुपए का फर्नीचर मिला। उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, फर्नीचर कैश है क्या? नहीं है, वो एक असेट है। मैंने फर्नीचर पे एडवांस पे किया है कितना? 1000 रुपीज। तो वो तो मेरा कैश है, और वो आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो वो कहां चला जाएगा? सॉरी, आउटफ्लो ऑफ कैश है तो वो कहां जाएगा आपका? पेमेंट वाले कॉलम में, बाय फर्नीचर के नाम से। ठीक है, पेमेंट वाले कॉलम में बाय फर्नीचर के नाम से चला गया। टोटल फर्नीचर कितने, टोटल पेमेंट कितने की करी थी मैंने? 1000 रुपए की। 1000 रुपए पूरे लिख दिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सपेंस है आपका सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस भी आउटफ्लो है, तो वो भी पेमेंट में चला जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंस भी आपके लिए आउटफ्लो है, वो भी पेमेंट में चला गया। सन्ड्री एक्सपेंस भी 1000 रुपए का है, जिसमें से 150 रुपए देना बाकी है। ध्यान रखना, आर टू बी पेड लिखा, मतलब देना बाकी है। तो मैंने कितने दिए होंगे? 1000 रुपए के टोटल एक्सपेंसेस हुए हैं, जिसमें से 150 देना बाकी है। तो कितने दिए होंगे? 1000 - 150, तो ये कितना हो जाएगा? 850। अब उसके बाद क्या करना है अपने को? सारे रिसीट और पेमेंट तो लिखा गए, अब उसके बाद क्या करते हैं? वही अपना जो सिंपल बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो बैलेंस निकाल देंगे। पहले अपन रिसीप्ट साइड का टोटल कर लें। रिसीप्ट साइड का टोटल हो रहा है आपका 9200। फिर उसके बाद आपका पेमेंट साइड का कॉलम का टोटल करना है, तो पेमेंट साइड का कॉलम का टोटल हो रहा है 7850, 7850। तो बड़ा आपका यही है, तो बड़े टोटल को अपन ने दोनों तरफ लिख दिया, और उससे इस साइड के टोटल को माइनस कर दिया, तो अपना क्या जाएगा? बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1350। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, प्रिपेयर द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लायंस क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पे भी आपको लायंस क्लब का रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। सबसे पहले आपको दिया हुआ बैलेंस ऑफ कैश ऑन 1 जनवरी 2017 रुपीज़ कितना है? 7200। फिर उसके बाद मेंबरशिप फी, द क्लब हैज़ 400 मेंबर्स एंड ईच मेंबर हैज़ टू पे एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 60 ईच। भैया 400 मेंबर थे, 60 रुपये एक से लेना थे। इट इज़ रिपोर्टेड दैट 32 मेंबर डिड नॉट पे द सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, वेयर इज 8 मेंबर हैव पेड एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर। अब वही चीज़ यहाँ पर भी है जो अपन ने पहले क्वेश्चन में करा था, कि 32 मेंबर्स ने क्या करा, 32 मेंबर्स ऐसे थे जिनने सब्सक्रिप्शन फी पे नहीं करी, और 8 मेंबर ऐसे थे जिनने एडवांस में सब्सक्रिप्शन फी पे कर दी। रेंट ऑफ द क्लब हैज़ बीन पेड अप टू द मंथ ऑफ जनवरी 2018 तक के आपकी रेंट पे कर दी 240 रुपये के हिसाब से। सैलरीज 1200
1200 पर मंथ हैव बीन पेड अप टू द मंथ ऑफ नवंबर 2017। सैलरीज कितनी 1200 जो थी पर मंथ के हिसाब से वो नवंबर 2017 तक के यहाँ पे कर दी। एन एडवांस, फिर सेकंड, फिर फर्नीचर है आपका, एन एडवांस ऑफ रुपीज 1200 वॉज पेड फॉर परचेसिंग फर्नीचर बट फर्नीचर वर्थ रुपीज 1000 ओनली वॉज रिसीव्ड अप टू द एंड ऑफ द ईयर। फिर वही बात यहाँ पे कि भैया 1200 का फर्नीचर, फर्नीचर के लिए 1200 रुपये एडवांस दिए, 1000 का फर्नीचर मिला। 1000 का फर्नीचर से अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब है कि कितना कैश आउटफ्लो हुआ। कैश आउटफ्लो कितना हुआ, 1200 रुपये। ठीक है, तो अपन फर्नीचर में पूरे 1200 रुपये लिख देंगे। जनरल एक्सपेंस 360 हैव बीन पेड एंड 36 वर अनपेड। तो जनरल एक्सपेंस हुए थे जिसमें से 360 तो पे कर दिए थे, 36 रुपये देने बाकी थे। तो 36 रुपये मेरे अनपेड थे, मतलब जो मैंने पे करे ही नहीं। तो मैंने कितने पे कर दिए, 360 रुपये पे कर दिए। तो मेरे आउटफ्लो में कितने शो कर दूंगा, 360 शो कर दूंगा। वैसे ही गार्डन एक्सपेंस के साथ भी है, 600 हैव बीन पेड एंड रुपीज़ 120 वर अनपेड। अनपेड मतलब मैंने ये 120 भी नहीं दिए और 600 रुपये मैंने दे चुका हूँ। ठीक है, तो 600 रुपये जो मैं दे चुका हूँ वो आउटफ्लो में मैं शो कर दूंगा। ठीक है, तो इसी अब इसका अपन बनाते हैं क्या, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। चलिए देखते हैं। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें अपने को किसका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, लायंस क्लब का। तो सबसे ऊपर क्या जाएगा आपका, लायंस क्लब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2017। फिर इसमें सबसे पहले आपको बैलेंस दिया हुआ है कितना, बैलेंस जो दिया हुआ है वो कैरी फॉरवर्ड होगा आपका रिसीप्ट वाले कॉलम में। यदि ये ओवरड्राफ्ट का बैलेंस होता तो ये कहाँ कैरी फॉरवर्ड होता, पेमेंट वाले कॉलम में, जो अपन ने फॉर्मेट में भी देखा था। ठीक है, लेकिन ये क्या है आपका, सिंपल बैलेंस है तो अपन ये कंसीडर करते हैं कि ये क्या है आपका, कैश बैलेंस जो पिछले साल का बचा हुआ है, तो वो आपका डीआर कॉलम में ट्रांसफर हो जाता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस था 7200। ठीक, फिर उसके बाद आपको दिया हुआ है सेकेंड जो आपको पर्टिकुलर दिया है वो काय का दिया है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट का। सब्सक्रिप्शन अमाउंट भी ऑर्गेनाइजेशन को रिसीप्ट है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, एक रिसीप्ट है। ठीक, तो यहाँ पे आपने सब्सक्रिप्शन मिल गई आपको ऑर्गेनाइजेशन को। फिर सब्सक्रिप्शन के साथ में लिखा हुआ है कि टोटल कितने मेंबर्स थे, 400, जिसमें से 32 मेंबर्स ने नहीं दी और 8 मेंबर्स ने एडवांस में पे कर दी। तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, 376 मेंबर्स। ठीक है, और एक मेंबर से कितने रुपए लेना है मेरे को, 60 रुपीस। ठीक है, तो 376 मल्टीप्लाइड बाय 60 तो कितना हो जाएगा, 22,560। ठीक, ये हो गया आपका। फिर अगला पर्टिकुलर आपको दिया हुआ है काहे का, रेंट का। ठीक है, रेंट के साथ लिखा हुआ है कितना के रेंट पे करिए, कितने रुपए के हिसाब से, 240 रुपीस के हिसाब से। ठीक, रेंट पे करिए 240 रुपीस के हिसाब से, और टोटल कितनी पे कर दी, जनवरी 2018 तक। तो यहाँ पे अपन वही बात हो गई कि 2017 का अपन ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं, 2017 के ट्रांजेक्शन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कितनी पे कर दी होगी, 2017 के पूरे 12 महीने और जनवरी 2018 का। ठीक है, तो टोटल मंथ कितने हो चुके होंगे आपके, 13 मंथ। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, बाय रेंट 240 मल्टीप्लाइड बाय 13, ये कितना हो जाएगा, 3120। ठीक, ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन, 240 मल्टीप्लाइड बाय 13, ये हो गया आपका 3120। ये आपने टोटल इतनी रेंट पे कर दी। ठीक, फिर अगला एडजस्टमेंट है सैलरी का, सैलरी कितने रुपए से पे करी है आपने, 1200 रुपए पर मंथ अप टू नवंबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1200 मल्टीप्लाइड बाय 11, वही नवंबर तक पे करी, मतलब आपने 11 महीने की सैलरी पे करी मल्टीप्लाइड बाय 11, तो ये हो जाएगा कितना, 13200। ठीक, फिर आगे दिया हुआ है आपका क्या, फर्नीचर। फर्नीचर के साथ भी वही है कि भैया टोटल आपने फर्नीचर कितने रुपए एडवांस पे किए, 1200 रुपए, और आपको मिले कितने, 1000 रुपए के फर्नीचर। तो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने कितना पे किया फर्नीचर पे, 1200 रुपए पे कर दिया, तो टोटल आउटफ्लो ऑफ कैश कितना हुआ, 1200 रुपए का। ठीक, फिर उसके बाद दिया हुआ है आपका जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस में आपने 360 पे कर दिए और 36 रुपए आपको देना है। ठीक है, तो पे कितने कर दिए, 360, और 360 आपके पूरे आ जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद अगला है आपका गार्डन एक्सपेंस। ठीक है,
गार्डन एक्सपेंस के साथ भी ऐसा ही कुछ एडजस्टमेंट लिखा हुआ है कि भैया टोटल गार्डन एक्सपेंस हुए हैं 600 रुपए के, मतलब मैंने 600 रुपए पे कर दिए हैं और 60 रुपए देना बाकी है, ठीक है, 600 120 रुपए देना बाकी है, सॉरी 600 रुपए मैंने पे कर दिए, 120 देना बाकी है, तो 120 देना बाकी ही रहेंगे, अभी मेरा उसका कैश गया नहीं, 600 रुपए मेरे जा चुके हैं तो 600 रुपए मेरे यहाँ जाएंगे, तो मेरे टोटल टोटल जितने भी पर्टिकुलर दिए थे वो यहाँ पे मेरे कंप्लीट हो गए, मतलब ये भी हो गया आपका, रिसीप्ट कॉलम के भी पूरे एडजस्टमेंट लिखा गया, पूरे पर्टिकुलर्स लिखा गए और पेमेंट कॉलम के भी पूरे पर्टिकुलर्स लिखा गए। फिर अपन क्या करेंगे, वही करेंगे जो अपन करते हैं, टोटल करेंगे, जाहिर सी बात है दोनों साइड में मेरे को बड़ा टोटल रिसीप्ट साइड का ही दिख रहा है, तो इस साइड का टोटल हो जाएगा कितना, 29760, ठीक, इस साइड का टोटल हो रहा है 18480, ठीक है, तो वही बड़े टोटल को अपन ने दोनों तरफ लिख दिया 29760 माइनस 18480, तो यह जाएगा आपका कितना, बाय बैलेंस कैरी डाउन जाएगा 11280, ठीक, ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कुछ क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाय।